नमस्कार, मेरा नाम अमित है। आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू और आज हम करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट विथ हीटिंग। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सैमसंग ने अपनी सी सीरीज में C7 प्रो लॉन्च किया है, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कार्ड में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बात करें C7 प्रो के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 चिपसेट, जो कि काम करता है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर। 4GB रैम इसमें आपको मिलने वाला है। जीपी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एंड्रीनो का 506 और हम काफी सारे फोन में देख चुके हैं स्नैपड्रैगन 625 का परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए काफी अच्छा होता है। आज हम गेमिंग टेस्ट करेंगे कुछ गेम्स के साथ में, जैसे कि बेसिक गेम्स में सबवे सर्फ, टेंपल रन, और उसके बाद हम चलेंगे अल्फाट 8 पे, ड्रैग ट्रिगर 2 पे और GTA SA पे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सर्वे सर्फ से, और उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी इस फ़ोन का क्या टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फ़ोन का टेम्परेचर है 36, जिसमें कि ये फ़ोन अभी यूज़ नहीं हुआ है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ का अभी वो है ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और फ़ोन का है 36 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए करते हैं पहले सबवे सर्फ के साथ स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही गेम में मुझे अच्छा स्पिन देखने को मिल रहा है, और अगर हम बात करें सेंसर्स के थ्रू कंट्रोलर की, तो यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं मेनली ग्राफिक क्वालिटी की, तो यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से जो ग्राफिक क्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक गेमिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। चलिए अब चलेंगे हम अल्फाट 8 पे और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा हमें गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पे हम इस गेम को खेल रहे हैं हाई ग्राफिक सेटिंग पर। तो यहाँ पे आप अभी तक देख सकते हैं अच्छा ग्राफिक क्वालिटी हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे कंट्रोलर मुझे अभी तक देखने को मिल रहे हैं। फ्रेम ड्रॉप्स और लैग यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। बात करें साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। और इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात जो इसका थिकनेस है वो है 7mm, तो यहाँ पे मुझे इजी ग्रिप भी मिल रहा है ताकि मैं अच्छे से इस गेम को एक्सपीरियंस कर सकूँ।
तो ये था अल्फा 8, और अब चलिए चलते हैं दूसरे गेम की तरफ। हमने देखा है दूसरे कई सारे फ़ोन में GTA में स्क्रीन ओवरले का हमें कई बार एरर आता है। अब देखना यह है कि C7 में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है या नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं इसका ग्राफिक क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अगर फ़ोन में डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा हो तो हमें गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है, और वैसा ही है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पे आपको अच्छे ग्राफिक क्वालिटी मिलती है, अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलता है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो हमें गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्क्रीन ओवरलैप का एरर कई बार आता है GTA में, तो वो अभी तक मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और हम अच्छे से गेम को एंजॉय कर सकते हैं C7 Pro में। यहाँ पे आपको दिखाएं कंट्रोलर, तो आप देख सकते हैं स्मूथली कंट्रोलर वर्क कर रहे हैं। तो ये था GTA, चलिए चलते हैं अब दूसरे गेम की तरफ जो कि है Red Trigger 2। तो यहाँ पे आपने देखा Red Trigger 2 में भी हमें अच्छा खासा गेमिंग इसमें देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर गेमिंग इसका टेम्परेचर हुआ 37 डिग्री, जबकि पहले ये था ऑलमोस्ट 35 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा ये फ़ोन हीट नहीं हुआ, जबकि हम इसमें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की गेमिंग कर चुके हैं। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर गेमिंग रिव्यू की, हमें अच्छा साउंड क्वालिटी मिला, ग्राफिक क्वालिटी और कंट्रोलर की बात करें तो बहुत अच्छे थे, कहीं पे भी हमें इशू नज़र नहीं आए। और अगर हम बात करें मेनली सबसे अच्छी बात C7 Pro में, तो जो कि इसका थिकनेस है, इसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा ग्रिप मिला और हम बड़ी स्क्रीन पे अच्छे से गेम को यूज़ कर सकते हैं, और सभी गेम में हमें लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप जैसे ऑप्शन नहीं मिले। तो हम कह सकते हैं C7 Pro का गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, और अगर आप चूज़ करना चाहते हैं C7 Pro को गेमिंग के लिए तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो। तो आगे कैसे वीडियोस देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इस बटन पर क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लिए नए अपडेट्स ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।